हेलो एवरीवन, और कैसी रही आपकी होली बताइएगा। और ये है होली के दिन का व्लॉग। ये वन नाइट पहले होली की प्रिपरेशन में हमारे यहाँ ठंडाई बनती है, तो उसके लिए मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स और जो भी चीज़ें एसेंशियल होती हैं वो भिगो रही हूँ। तो इसकी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और सबके घर में अलग अलग बनता है, किसी घर में पुए बनते हैं, मेरे मायके में मम्मी के यहाँ पुए बनते हैं, पुए मस्त हैं, पुए ज़रूर बनते हैं। और मेरे यहाँ दही बड़े बनते हैं, ठंडाई बनती है, पकौड़ियाँ बनती हैं हमारे यहाँ, रोटी नहीं बनती है, चावल बन जाएगा या सब्जी के साथ कोई और कुछ बन जाएगा। और आपके यहाँ होली पे क्या बनता है मुझे कमेंट ज़रूर बताइएगा। तो इसके साथ ये एक रात पहले प्रिपरेशन है दही बड़े की। इन सबको भिगोने के बाद फिर दही बड़े के लिए मैंने उड़द की दाल भिगोई और दही वही जमाई। तो बहुत सारी प्रिपरेशन होती है, अभी होलिका जला के जल एकदम देख कर आए हैं। और ये देखिए, ये सारी चीज़ें भीग गई हैं। सुबह में बस फटाफट आगे का प्रोसीजर हो रहा है, तो ग्राइंड कर लिया इसको और मिक्स करके जैसे भी दूध में बनाया जाता है, तो कुछ मिलाया नहीं जाता है इसमें। सब बहुत जगह लोग भांग वांग मिला देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल सीधी सारी ठंडाई बनाई जाती है बस, ताकि थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट। गर्मियाँ शुरू हो जाती है ना, तो हल्का हल्का कूलिंग इफेक्ट बड़ा अच्छा लगता है, टेस्ट वाइज बहुत अच्छी लगती है। और मैं हमेशा शुगर फ्री कारण ठंडाई बनाती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे आते हैं जिन्हें ये लगता कि चीनी है इसमें, मीठा है तो नहीं पीना है, तो मैं शुगर फ्री बना लेती हूँ। फिर जिसे मीठे की रिक्वायरमेंट होती है उसके मैं मिश्री पाउडर मिला देती हूँ, और जिसको नहीं होती है वो ऐसे ही प्लेन पीता है। और इस तरफ जैसे ठंडाई मेरी रेडी हो गई है, उसके बाद मैंने तैयारी शुरू की अपने दही बड़े की, क्योंकि इसको बनने में थोड़ा टाइम लगता है, फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं। तो सबसे पहले उड़द की दाल को रात भर भिगो के, और सुबह मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। बहुत कम पानी में डाल के ग्राइंड करना है हमें, क्योंकि पानी ज़्यादा होगा तो गीली हो जाएगी और बैटर फिर हैंडल नहीं होता है। फिर सारा मिक्सर एक बर्तन में निकाल के उसे हम फेंटेंगे। फेंटना है हमें इतना कि हम छोटा सा पोर्शन डालेंगे बैटर का किसी पानी के बर्तन में, तो देखिए बैटर हमारा ऐसे फ्लोट करना चाहिए, उस पर तैरेगा। जब वो इस कंडीशन तक आ जाए तो आप समझ जाइए कि आपका बैटर एकदम रेडी है। बस अब इसके बाद हमें इसे फ्राई करना है। तो हम अपनी कढ़ाई चढ़ा लेंगे और कढ़ाई में तेल गर्म करके और अपने बड़े तलेंगे, और इसे हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे तलना है, हाई फ्लेम पे नहीं। हाई फ्लेम करने से क्या होगा कि बड़े ऊपर से तुरंत ही ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, और जब हम मीडियम टू लो फ्लेम पे तलेंगे तो ये आराम से अंदर तक सिकेंगे, अंदर तक पकेंगे। एक बैच को तलने में हमें 5 से 6 मिनट लगेंगे। और देखिए, इस पर से हल्का हल्का ब्राउनिश इफेक्ट आ जाएगा, गोल्डन सा, तो हम इसे निकाल लेंगे। और बड़े हमारे तैयार हैं। जब दूसरी तरफ हम एक बर्तन में पानी गर्म करेंगे, जिसमें हम हींग और नमक डालेंगे, और पानी थोड़ा लुकवार्म से ज़्यादा गर्म होगा। और इस गर्म पानी में फिर हम अपने बड़े डाल देंगे, तले हुए बड़े। जितने बड़े आपको यूज़ करने हैं आप उतने ही बड़े डालिए, बाकी बड़े आप एक बार सूखे रख दीजिए, फिर जब आपको नेक्स्ट टाइम यूज़ करना हो तब डालिएगा, क्योंकि गीले बड़े को रखना बहुत लंबे टाइम तक मुश्किल होता है, लेकिन सूखे बड़े आराम से रह जाते हैं, 2 दिन तक तो आराम से रहता है, 2-3 दिन तक तो आराम से रहता है। फ्रिज में आप एयरटाइट में डब्बे में बंद करके रख दीजिए, और जब ज़रूरत हो तब पानी गर्म करके और उसमें अपने बड़े डिप कर लीजिए और फिर निकाल लीजिए। आपको देखिए, ऐसी जितनी तेल हो आपकी कढ़ाई में उस हिसाब से, उस बैचेस के हिसाब से आप अपना सारा बैटर तल के निकाल लीजिए। और आप कैसा भी बना सकते हैं, गोल बना सकते हैं, चपटा बना सकते हैं, ओवल शेप बना सकते हैं, जैसे आपको बड़े पसंद हो वैसा बना लीजिए। और देखिए, मेरा पानी गर्म हो गया, अब मैं इसमें अपने बड़े सोक करूँगी। और बड़े 5 से 7 मिनट सोक कीजिए, इतने में तो फूल जाते हैं, वो बहुत टाइम नहीं लगता। आपको लगता है कि नहीं फूले हैं तो थोड़ा और सोक कर दीजिए, और थोड़ी देर में बड़े आपके फूल जाएंगे, फिर आप इन्हें निकाल के छान लीजिए। अगर पानी हमें आप सहने लायक है तो आप हाथों से स्क्वीज़ कर लीजिए, निचोड़ लीजिए, और अगर नहीं ज़्यादा, जैसे मेरा पानी बहुत गर्म था तो भाप निकल रही है, तो मैंने छन्नी में निकाल दिया है। और अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। इसमें सबसे पहले डालेंगे दही, फिर उसमें डालेंगे अपने मसाले, भुना जीरा, काला नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च, सादा नमक, और पूरी इमली की खट्टी मीठी चटनी। चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप चाहें तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ये भी मैंने अभी बनाई है होली पर। ये हमारे बड़े तैयार हैं। इसे आप हरी धनिया की पत्ती से गार्निश कीजिए, अनार के दानों से गार्निश कीजिए। तो यही बना था, और जैसे भी आपको ज़्यादा कुछ ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं होता कि आपको ऐसे ही बनाना है, वैसे ही करना है, बस 2 बातों का ध्यान रखिएगा।
ये देखिए हमारी ठंडाई भी इधर रेडी हो गई है। और होली पे मैंने बनाई थी ठंडाई, गुजिया, दही बड़े और गुलाब जामुन, ये सब मैंने होली पे बनाया था। तो इन सब की रेसिपी मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं आराम से। और ये हल्की सी मुरमुरे की खट्टी मीठी नमकीन थी, बहुत टेस्टी थी। और ये देखिए असली होली, ये किसे कहते हैं होली। तो आपकी होली कैसी रही ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट में, और रेसिपीज ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी लगी। थैंक यू।